और जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर सुहाना की शादी की बारात जा रही है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे ये क्या शादी के लिए इतना ज्यादा टाइम हो रहा है? अरे पिंकी तुम्हारी मम्मा कहाँ पर रह गई? इतना ज्यादा टाइम लगता है रेडी होने के लिए, मैंने कहा था रात के 2 बजे से उठकर बैठ जाना तुमने, लेकिन फिर भी तुम्हारी मम्मा इतनी ज्यादा आलसी है कि सुबह 9 बजे उठी और अब देखो नहाते बैठी तैयार होते बैठी, यहाँ पर बारात को बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, शुभ मुहूर्त चले जाएगा। अरे पिंकी जाओ जल्दी से तुम्हारी मम्मा को लेकर आओ। अरे चमेली मासी आप मुझे क्यों चिल्लाई है? आप मम्मा को कहो कुछ भी, मैं तो लेडी होकर आ गई ना। अगर इतना ही टाइम हो रहा है तो चलिए ना हम बगैर मम्मा के ही बालाती लेकर चले जाते हैं। काहे को मम्मा का इंतजार करते बैठी है आप? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ डोली के अंदर बैठने के लिए। अरे पिंकी ऐसा थोड़ी ना होता है, बगैर बाराती के ऐसे कैसे हमारी बाराती जाएंगी, और वैसे भी तुम्हारी मम्मा जरूरी है, वो दूल्हे की आंटी लगती है। चलो मैं थोड़ा सा और इंतजार कर लेती हूँ। प्रीति प्रीति चलो जल्दी भी करो, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा प्रीति ही दुल्हन है, इतना टाइम लग रहा है तैयार होने के लिए। वो देखो मेरा लाल कितना अच्छा लग रहा है, चलो जब तक मैं अपनी लाल की नजर उतार लेती हूँ। अरे वाह मेरा बेटा दूल्हा राजा कितना अच्छा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे। अरे मेरे लाल को किसी की नजर ना लगे, चलो मैं तेरे कान के पीछे काले टीका लगा देती हूँ। अरे मेरा लाल मेरा पीला मेरा हरा मेरा नीला कितना अच्छा लग रहा है, देखो तो सही फेटे में तो एकदम दूल्हा राजा लग रहा है दूल्हा राजा। अरे मम्मा आपके सिर्फ मेरी नजर ही उतारेंगी, मैं कब से यहाँ पर लेडी होकर खड़ा हूँ, लेकिन आप सब कोई चल ही नहीं रहे है। मेरी शादी के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं शुभ मोहल्ला चले ना जाए और मेरी सुहाना की शादी लुक ना जाए, मम्मा चलिए ना जल्दी से। मम्मा आप किसका इंतजार कर रही है, चलिए ना मम्मा, प्लीज मम्मा जल्दी से चलिए ना, मुझे जल्दी से शादी करनी है। अरे मेरे लाल मैं तुझसे क्या कहूँ, ये है ना पिंकी की माँ, हमेशा लेट करती है। मैंने उससे कब से कहा था कि अगर तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगता है ना तो रात के 2 बजे से उठकर बैठ जाओ, लेकिन ये दिन ब दिन आलसी होती जा रही है अपनी बेटी की तरह। सुबह 9 बजे उठी वो और उसे कुछ फिक्र भी नहीं है कि मेरी बेटी की शादी है क्या है, सब तैयार है तो मैंने ही करी है। अरे ओ चमेली। अरे पिंकी तुम ये क्या कह रही हो, तुम मुझे चमेली कह रही हो? अरे वो चमेली मासी मैं वो कह रही थी कि आप मेरी मम्मा को क्या कह रही है, मैं सब कुछ सुन रही हूँ पीछे खड़े होकर, मेरी मम्मा को आप कब से आलसी कल मुझे कुछ भी बोले जा रही है, मैं कब से देख रही हूँ आपका नाटक, मेरी मम्मा को कुछ भी मत बोलो। अरे पिंकी बेटा आप तुम भी देख रही हो ना तुम्हारी मम्मा कितना ज्यादा टाइम कर रही है, हमें जल्द से जल्द बारात ले जानी होगी, नहीं तो वहाँ पर सुहाना उसकी मम्मा सब परेशान होंगे कि अभी तक बाराती आई क्यों नहीं, और तुम्हें मालूम है ना शुभ मुहूर्त चले जाएंगे शादी का, हमें वहाँ पर जाकर कितना ज्यादा एंजॉय करना है, और मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारा खाना भी बना है टेस्टी टेस्टी, तुम्हारी बड़ी बहन और तुम्हारी सहेलियों के तो बहुत बड़े मजे हो जाएंगे, एक से एक टेस्टी टेस्टी खाना ठूसना तुम लोगों ने, अगर हम लेट हो गए तो शायद वो खत्म भी हो सकता है, तुम समझ रही हो ना पिंकी मैं क्या कह रही हूँ? अरे ये क्या मम्मा इस पिंकी को क्यों समझाती बैठी है, मेरे ही बालात के लिए टाइम होगा, मेरे ही शादी में इसको बकेले कर लेते। अरे चिमकांती जाना तेरी मम्मा को जल्दी से लेकर आना, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। अरे हाँ पिंकू के बच्चे ज्यादा इतलाने की जरूरत नहीं है, अभी लेकर आती हूँ, यह पिंकू का बच्चा भी ना ज्यादा इतलाला है, चलो जाने दो उसकी शादी है ना इसलिए भी। अरे चलो मैं देख लेती हूँ मेरी होने वाली बहू सुहाना की ज्वेलरी सब ठीक ठाक तो है। अरे वाह सब ज्वेलरी तो अच्छे से दिख रही है, अब बस बाराती की कमी है, अब जल्दी से हम बारात लेकर जाएंगे। अरे वाह मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरे बेटे की शादी है, मैं तो खूब नाचूंगी गाऊंगी, अब ना जाने पिंकी की माँ कब आएंगी। अरे प्रीति जल्दी आओ, सभी बाराती तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे नूली मूली इधर आओ, उधर कहाँ जा रही हो तुम दोनों भी, ये नूली मूली भी ना। अली मोली देखो ना डोली कितनी अच्छी लग रही है, चलो चलो जल्दी से हम डोली में बैठते हैं। अली हाँ नूली चलो डोली में बैठते हैं, कितनी खूबसूरत दिख रही है डोली, रुको पहले मैं जाऊंगी। अली मुझे जाने दो मैं बैठूंगी डोली में। अली नूली रुको मुझे बैठने दो ना पहले। अली नहीं मुझे बैठने दो। अली नहीं पहले मैं बैठूंगी। अरे अरे नूली मोली तुम दोनों भी क्या कर रहे हो, अरे चलो जल्दी से हट जाओ, अरे वो दुल्हन की डोली है उसके अंदर दुल्हन बैठती है, तुम दोनों भी हट जाओ जल्दी से यहाँ से, चलो चलो हट जाओ जल्दी से हट जाओ। अरे ये क्या बच्चे हैं, अरे ये बच्चे भी कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं, भला डोली तो दुल्हन के लिए होती है और ये बच्चे बैठने के लिए जिद कर रहे हैं, ये सब ये पिंकी की मम्मा की वजह से हो रहा है। अरे प्रीति जल्दी से आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बगैर ही बारात लेकर चले जाएंगे, चलो
चलो पिंकू बेटा बैठो तुम घोड़े के ऊपर और ढोल वालों को कहो कि तुम ढोल बजाना शुरू कर दो। अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, हम बाराती को लेकर चले जाते हैं। चलो डोली मोली तुम इस बैलगाड़ी में बैठ जाओ। चलो आओ हम तीनों भी बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे अब मैं मम्मा से कैसे कहूँ कि डोली उठाने वाले तो अभी तक नहीं आए हैं। अरे ना जाने दोनों भी अभी तक क्यों नहीं आए। अरे सेठ जी आपने बुलाया और हम च च च च च च च चले आए। आपने बुलाया सेठ जी और हम चले आए। आपकी खिदमत में हम पेश है सेठ जी। चलिए अब हम दोनों भी मिलकर डोली उठाते हैं। अरे वाह ये दोनों भी कितने ज्यादा फनी है। अले अले तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। अरे सेठ जी मेरा नाम डमरू उसका नाम जमरू है। अले वाह पिंकी की मम्मा भी आ गई। चलो बच्चा वहाँ हम बलाती लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर मेरी प्यारी सुहाना मेला इंतजार कर रही होंगी। ना जाने मेरी सुहाना कैसी दिख रही होंगी। अरे प्रीति तुमने कितना ज्यादा टाइम कर दिया है, हमें बारात ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। चलो अब क्या वहाँ पर इतराती खड़ी हो तो वहाँ पर सुहाना पायल जी हमारा सबका इंतजार कर रहे होंगे। अरे दीदी हमारी पिंकू की शादी है, तैयार होने में टाइम लग जाता है। आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही हैं, आ रही हूँ। अरे मैं तो कितनी अच्छी दिख रही हूँ लेकिन मैंने तो खुशी ने तालीफ भी नहीं किया। चलो जाने दो, खूबसूरत लोगों को तालीफ की जरूरत नहीं होती है, वो खुद में ही एक तालीफ का चुलू लेते हैं। अरे लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये मेरी सहेली कहाँ पर रह गई। अरे प्रिया मैं आ गई। अरे वाह प्रिया तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अरे वाह चलो किसने तो मेरी तालीफ किया। अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड तूने ये क्या पुराने कपड़े ही पहन कर लाए है। तुझे क्या मेरे भाई पिंकू की शादी की कुछ पली नहीं है। अगर वो चुहना छोपिया वो लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तुम्हारे पास कोई शादी का स्पेशल दिलेश नहीं है क्या। तुमने वही अपने रेगुलर के कपड़े पहन कर आए है। मेरी इज्जत का तो कुछ सोचना था। चलो अब जाने दो, वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। चलो अब जल्दी से। अरे मेरे पास कपड़े थे लेकिन मैं क्या करूं मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरी मम्मा मेरी चोटी ही डाल रही थी। आईला ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मेरे डमरू मेरे झमरू वहाँ पर पहुँच गए हैं। चलो अब आगे का काम मैं बजाता हूँ। अरे ये क्या बाला तो जा रही है। चलो जल्दी से मैं डोली के अंदर बज जाती हूँ। अरे मोते लुक जला मुझे डोली में बजने दे पाले। अरे वाह डोली में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। अरे मोती गेंदा चलना तू लुक क्यों गया है। और बारात जाने लगती है। अरे मोती गेंदे लोग तूला आराम से चलाओ ना पूरी डोली हिल रही है। अरे मैडम आप हमें गेंदा मोटा क्यों कर रही है, आराम से तो चला रहे हम लोग। अरे लोगो डोली जल्दी से लोगो। अरे मैं गिर जाऊंगी। अरे मैडम रोक दिया क्या बात है मैडम। अरे तुम दोनों भी कैसे चला रहे हो, अगर मैं चलती डोली में गिर गई तो पूरी शादी में मजा खिलखिला हो जाएगा और मैं लंगली हो जाऊंगी। तुम दोनों भी अच्छी सी डोली चलाओ नहीं तो मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगी। अरे सॉरी मैडम अब अच्छे से चलाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ये दोनों भी ऐसे गुंडे जैसे क्यों दिख रहे हैं क्या मालूम। चलो जाने दो जल्दी से मैं अंदर डोली के अंदर बैठ जाती हूँ। आईला रुको रुको इतनी भी क्या जल्दी है दूल्हे राजा शादी में जाने की, पहले हमारे पास दुल्हन के सारे जेवरात हमारे हवाले कर दो। अरे वाह भाई यहाँ पर तो कितने सारे जेवरात है, अपने तो मजे हो गए। अरे ये क्या ये तो गुंडे लोग है। अरे मुझे कुछ तो करना होगा, ये तो मेरी दुल्हन यानी मेरी सुहाना की ज्वेलरी है, अगर इन्होंने सब कुछ लूट लिया तो शादी तो लूट जाएंगी। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा नहीं तो ये गुंडे लोग सारा सोना चुरा कर लेकर चले जाएंगे। चलो जमरू ढमरू अपने काम में लग जाओ। हाँ मालिक अभी आए। अरे मेरी कमल कितनी जोर से पटका ये मोटे गेंदे ने, ये तो बहुत ही ज्यादा इतला रहे है। अरे जिसका शक था वही हुआ, ये दोनों भी गुंडे निकले, मुझे तो लगी रहा था इनकी शूलत देखकर। अरे ये क्या प्रीति ये तो डाकू लोग हैं। अरे अभी डाकुओं से हम हमारा सोना कैसे बचाएंगे। नहीं नहीं ये मेरी होने वाली बहू का सोना है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी, कोई भी गुंडा आ जाए मैं नहीं दूंगी। अरे दीदी हट जाइए नहीं तो वो गुंडे आपको भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखा दोस्तों आपने चोरों ने कैसा बारातियों पर हमला कर दिया है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।